हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम चक्रे सहरवा और मैं अपने यूट्यूब चैनल TNT ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप दोस्तों आपको पता है, ये हमारी मशीन डिजाइन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक डिस्कस भी कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा हमारा जनरल कंसिडरेशंस इन मशीन डिजाइन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल TNT ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लेट्स दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हम टॉपिक करने वाले हैं जनरल कंसीडरेशंस इन मशीन डिजाइन। ठीक है दोस्तों, तो जनरल कंसीडरेशंस इन मशीन डिजाइन, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भी डिजाइनर होता है वो किसी भी बॉडी को डिजाइन करते वक्त किस किस चीज़ का ध्यान रखता है। ठीक है दोस्तों, किस किस बातों किन किन बातों का उनको डिजाइनर को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक पॉइंट मैं बता दूँ, जो भी डिजाइनर होता है उसको सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है कि जो भी डिजाइनर होता है उसको कुछ सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि पहला सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों, एक डिजाइनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिजाइनर। ठीक है दोस्तों, तीसरा सब्जेक्ट है मेटलर्जी या फिर मटेरियल साइंस। ठीक है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थ्योरी ऑफ मशीन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना एक इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर के लिए ज़रूरी होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर के लिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं कंसीडरेशन की। कुछ कंसीडरेशंस हैं उनको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कंसीडरेशंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है आपको, पहला कंसीडरेशन तो ये आता है कि टाइप्स ऑफ लोड। दोस्तों, एक डिजाइनर को ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि जिस बॉडी को वो बना रहा है, क्या उसमें कौन सा लोड लगने वाला है। उसमें डायनेमिक लोड लगने वाला है या स्टैटिक लोड लगने वाला है या फ्लक्चुएटिंग लोड लगने वाला है, या उसमें इंटरनल स्ट्रेस भी जनरेट होगा यदि बॉडी मतलब ऑपरेशन करने के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होगा, टेंशन क्या आएगा, या टेंशन आएगा या कंप्रेशन आएगा, इसमें किस प्रकार का स्ट्रेस जनरेट होगा उस बॉडी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको पता होना चाहिए, एक डिजाइनर को पता होना चाहिए कि उस बॉडी में लोड कौन सा लगने वाला है, उसी प्रकार से वो बॉडी को डिजाइन करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है दोस्तों, कौन सा पॉइंट आता है दूसरा? सिलेक्शन ऑफ मटेरियल आता है। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि एक डिजाइन इंजीनियर को मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कहाँ पर किस लोड पर कौन से मटेरियल का यूज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा ना हो कि बॉडी में ऐसा मटेरियल लगा दिया कि वो बहुत हैवी हो चुकी है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत लेस है। ठीक है दोस्तों, यदि कहीं पर इम्पैक्ट फोर्स लगता है, इम्पैक्ट लोड लगता है, तो वो मटेरियल क्या हो जाता है, टूट जाए, चकनाचूर हो जाए। तो ऐसा मटेरियल नहीं लगाना चाहिए, मटेरियल अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन लगाना चाहिए कि बॉडी ऑपरेशन क्या कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मटेरियल का सिलेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है।
फिर आता है दोस्तों शेप एंड साइज। अब बॉडी का शेप और साइज भी डिपेंड करता है एक डिजाइनर पर, ठीक है दोस्तों। ये एक्चुअली उसके पास्ट एक्सपीरियंस पर भी डिजाइन कर सकता है, ठीक है दोस्तों। जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके ऊपर भी डिजाइन कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जैसे मान लो कोई फोर व्हीलर है, अब वो फोर पैसेंजर्स के लिए बनाना है, तो उसमें उसका शेप और उसका जो साइज है दोस्तों इस प्रकार से होना चाहिए कि जो फोर पैसेंजर्स हैं वो कंफर्टेबली मतलब उसमें बैठ सकें और उसमें ट्रैवल कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो आराम से उसमें बैठ सकें, मतलब उनको कोई दिक्कत ना हो रही, ऐसा मतलब अनकंफर्टेबल फील ना हो, ठीक है दोस्तों। डिजाइनर का एक मतलब फर्ज ये भी बनता है, ठीक है दोस्तों। अब उसकी शेप की बात करें, शेप क्या होता है, शेप मतलब वो बॉडी कैसी है, दिखने में कैसी है, उसका लुक क्या है, अपीयरेंस क्या है उसका, ठीक है दोस्तों। तो शेप एंड साइज यही होता है, ठीक है दोस्तों, कि मतलब बॉडी को बनाने का एक मतलब एक एक्यूरेट डायमेंशंस होना चाहिए उसका, ठीक है दोस्तों। एक्यूरेट डायमेंशंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कस्टमर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन। अब दोस्तों फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। जो भी उसके इंटरनल पार्ट हैं, जो भी उसके चेसिस पार्ट हैं, तो उन पर ध्यान देना चाहिए। उनमें कम से कम फ्रिक्शन होना चाहिए, जिससे कि बॉडी क्या हो, मतलब बॉडी की जो इफिशियंसी है मैक्सिमम हो, और उसकी जो लाइफ और रिलायबिलिटी है वो क्या हो, मैक्सिमम हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का उसमें लुब्रिकेशन और फ्रिक्शन भी होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑपरेशनल सेफ्टी। मान लो दोस्तों ऑपरेशनल सेफ्टी क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। मान लो किसी भी बड़ी कंपनी में कोई बहुत लार्ज मशीन काम ऑपरेशनल मतलब लार्ज मशीन काम कर रही है, तो वो मशीन क्या करेगी, मतलब उसमें एक ऑपरेटर तो होगा दोस्तों, लेकिन इस उस ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए, उस ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए उसमें कुछ एडवांस मतलब कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहिए, जिससे कि यदि कोई मशीन में फेलर होता है तो वो कोई दिक्कत ना करे, मतलब उसकी सेफ्टी, ऑपरेटर की सेफ्टी बनी रहे, ठीक है दोस्तों। और मतलब जो भी अपन एक्सटर्नल डिजाइन करते हैं ऑपरेटर की सेफ्टी के हिसाब से, उससे मतलब मशीन के ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, या मशीन के ऑपरेशन में करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है दोस्तों। तो मतलब किसी भी मशीन में, किसी भी लार्ज मशीन या छोटी मशीन में, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी होता है कि सेफ्टी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं मशीन अवेलेबिलिटी की। तो अ डिजाइनर शुड बी फेमिलियर विद द लिमिटेशंस ऑफ हिज ओनर वर्कशॉप टू अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ हैविंग वर्क डन इन अदर शॉप, ठीक है दोस्तों। अब मतलब ऐसा होना, मान लो हमने ऐसी मशीन डिजाइन कर दी है, ठीक है दोस्तों, कि वो मार्केटिंग ही नहीं हो रही उसकी। जैसे दोस्तों मान लो अब पहले जो होती थी पुरानी गाड़ियां आती थी, अब कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी गाड़ियां होती हैं दोस्तों, उनके आजकल मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते मार्केट में। तो हमको इस प्रकार की मशीन मतलब डिजाइन करना चाहिए कि वो उसका मार्केटिंग हो सके, उसकी अवेलेबिलिटी हो सके, मतलब कस्टमर को नीड हो, उसकी ज़रूरत हो, ठीक है दोस्तों। मतलब हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ भी डिजाइन करके रख देना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अ डिजाइनर शुड हैव बी फैमिलियर विद द लिमिटेशंस ऑफ हिज ओनर वर्कशॉप टू अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ हैविंग वर्क डन इन अदर शॉप, ठीक है दोस्तों। मतलब कुछ मतलब डिफरेंस कुछ अच्छा ऐसा मतलब कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहिए जो कि मतलब अच्छा मॉडिफिकेशन वाला हो, और कुछ अच्छा हो, कुछ अदर हो, किसी दूसरी चीज़ से अदर हो, और मतलब ज़्यादा हो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार की अवेलेबिलिटी के मशीन अवेलेबिलिटी होती है। अब आता है यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। हमको किसी भी बॉडी में, किसी भी मशीन में यदि कोई पार्ट यूज करना है, कोई पार्ट डिजाइन करना है, तो हमको एक स्टैंडर्ड पार्ट यूज करना चाहिए अपनी बॉडी में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो स्टैंडर्ड पार्ट्स होता है वो हमको कहीं से भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है दोस्तों, कहीं से भी अवेलेबल हो जाता है। तो हमें मैक्सिमम कोशिश यही करना चाहिए कि अपनी मशीन को डिजाइन करते वक्त, या अपने एलिमेंट्स को, या अपने मैकेनिज्म को डिजाइन करते वक्त, कि हम उसमें मैक्सिमम उसे क्या स्टैंडर्ड बनाएं, जिससे कि वो हमारे हर जगह
या हर अदर कंट्री में भी उस वो क्या मार्केटिंग हो सके, उसकी अदर कंट्री में भी वो क्या सेल हो सके। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मोशन ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है दोस्तों, मोशन ऑफ एलिमेंट, तो दी सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एनी मशीन डिपेंड अपॉन दी सिंपलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स विच विल गिव द डिजायर्ड मोशन। द मोशन मे बी रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर एक्सेट्रा। तो दोस्तों हमको कोशिश यही करना चाहिए कि जो हमारी मशीन का अरेंजमेंट है, जो हमारी मशीन का मैकेनिज्म है, वो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट होना चाहिए। उसका जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सिंपल और चीप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिससे कि वो क्या हो, हमें मतलब कोई भी मतलब रिपेयर करना है तो उसमें मतलब डिफ़िकल्टी ना हो, क्या ना हो, डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे कि जो भी हमको डिजायर्ड मोशन चाहिए उसके क्या होना चाहिए, वो सिंपल से सिंपल मोशन होना चाहिए, या उसका जो अरेंजमेंट है वो सिंपल से सिंपल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं लाइफ ऑफ एलिमेंट की। ठीक है दोस्तों, लाइफ ऑफ एलिमेंट की यदि हम बात करें तो अ मशीन एलिमेंट शुड बी डिजाइन फॉर एन एडिक्वेट लाइफ विदाउट फेलियर। दोस्तों हमको कोई भी एलिमेंट यदि डिजाइन करते हैं हम, तो उसको क्या करना चाहिए, एक टाइम पीरियड के लिए डिजाइन करना चाहिए, वो अपने टाइम पीरियड से पहले फेल ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, वो अपने टाइम पीरियड से पहले फेल ना हो जाए। कोशिश यही करना चाहिए कि हमको मान लो कोई कंपोनेंट है, वो यदि 2 साल के लिए, 3 साल, 5, 10 साल, जितने टाइम के लिए हमको डिजाइन करना है, उससे पहले वो क्या ना हो, फेल ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारे लाइफ ऑफ एलिमेंट, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर या एक लाइफ होना चाहिए। ठीक है, एक लाइफ साइकिल होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि अ डिजाइन मशीन एलिमेंट शुड हैव हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, रेजिस्टिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। दोस्तों अब हमारा हमको एलिमेंट जो डिजाइन करना चाहिए वो इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि जैसे मान लो वो उसकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो कोई मैं जैसे मान लो टू व्हीलर है दोस्तों, यदि टू व्हीलर पे टू पर्संस के लिए यदि वो बनाई जाती है तो उसको इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसमें 4-8 आदमी भी बैठ सकें। मतलब ऐसा ना हो कि मान लो ठीक है 2 लोगों के लिए बनाई गई, वो तो ठीक है, लेकिन क्या है दोस्तों, पब्लिक इज अ वेरी, ठीक है, पब्लिक कुछ भी कर सकती है। तो मान लो 2 लोगों के लिए बनाई है, अब उसमें इतना करना चाहिए कि उस पर कम से कम 4 लोग भी बैठ सकें। मतलब ऐसा ना हो कि 2 लोगों की बनाई तो गई है, ठीक है 2 लोगों के लिए, अब कोई मतलब 4 लोग बैठ गए तो वो टूटी गई है फोर टू व्हीलर। ठीक है, तो ऐसा नहीं। अब जैसे दोस्तों आपने देखा होगा बसों में, मतलब उसमें एक प्रॉपर पैसेंजर्स बैठे जाते हैं, प्रॉपर मतलब एक उसका मतलब लिमिट होती है कि इतने पैसेंजर बैठेंगे, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैसेंजर्स ऊपर नीचे अगल बगल में लटके हुए रहते हैं, तो वो टूटती नहीं है ना, तो उसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है उसका कि मतलब वो अपने इतना लोड कैरी कर सके, मतलब उसकी इतनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेंटेनेंस ऑफ एलिमेंट, मेंटेनेंस ऑफ एलिमेंट, अब दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ एलिमेंट की यदि हम बात करें तो अ डिजाइन मशीन एलिमेंट शुड बी सच दैट इट कैन बी ईजली रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। अब दोस्तों हमको एकदम से ऐसी बॉडी या ऐसी मशीन डिजाइन नहीं कर देना चाहिए कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके जो पार्ट्स हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि दोस्तों वो मेंटेनेंस मतलब उसका मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा है, वो एक बार मिट गई तो वो दोबारा रिपेयर ही नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की बॉडी को हमको डिजाइन नहीं करना है, हमको इस प्रकार की बॉडी को डिजाइन करना है कि हम उसका जो मेंटेनेंस है वो क्लियरली मतलब वो उसका मेंटेनेंस आसानी से या ईजिली हो सके, और उसके जो पार्ट्स हैं वो हमको मार्केट में आसानी से मिल सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है मेंटेनेंस ऑफ एलिमेंट या मशीन। अब आता है वेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब वेट ऑफ एलिमेंट की यदि हम बात करें तो अ डिजाइन मशीन एलिमेंट शुड हैव अ मिनिमम पॉसिबल वेट बट हाई स्ट्रेंथ। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो बॉडी का वेट है, जो मशीन का वेट है, बहुत कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वेट तो कम है ठीक है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी कम है कि उससे काम ही ऑपरेशन ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों हमको मिनिमम वेट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बॉडी को डिजाइन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिनिमम वेट मिनिमम से मिनिमम और स्ट्रेंथ मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो अ डिजाइन मशीन एलिमेंट शुड हैव अ मिनिमम पॉसिबल वेट, पॉसिबल बोला है जितना पॉसिबल हो सके, पॉसिबल वेट बट हाई स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ एलिमेंट, कॉस्ट ऑफ एलिमेंट, द कॉस्ट ऑफ एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द डिजाइन। इन सम केसेस हाई कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल में इमीडिएटली रिजेक्ट इट फ्रॉम फर्दर कंसिडरेशन, सो हिंस हैंस द एम ऑफ डिजाइनर अंडर ऑल कंडीशन शुड हैव टू बी रिड्यूस द कॉस्ट टू द मिनिमम। अब दोस्तों, अब जो किसी भी मशीन या किसी भी एलिमेंट या किसी भी बॉडी का जो कॉस्ट है वो अपने प्रॉपर जो उसकी जो फंक्शंस हैं, उसके जो लोड्स हैं, उसका जो मटेरियल है, शेप, साइज, सारी कंडीशंस को या सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए उसका मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हमने दोस्तों अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो हमारा मार्केट में सेल ही नहीं हो रहा है, तो इस ऐसे प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ एलिमेंट हो गया, अब बात करते हैं एर्गोनोमिक्स की, कि एर्गोनोमिक्स क्या होता है। तो दोस्तों यदि हम एर्गोनोमिक्स की बात करें तो एर्गोनोमिक्स क्या होता है, एर्गोनोमिक्स इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन, क्या होता है, साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंट्रैक्शन एमोंग ह्यूमंस एंड अदर एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम मशीन ऑपरेटिंग कंडीशन एक्सेट्रा एंड द प्रोफेशन दैट अप्लाई थ्योरी प्रिंसिपल एंड मेथड टू डिजाइन इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज ह्यूमन वेलबींग एंड ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। एर्गोनोमिक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ डिजाइनिंग यूजर इंट्रैक्शन विद इक्विपमेंट एंड वर्क प्लेस टू फिट द यूजर। ठीक है दोस्तों, कि कहने का मतलब ये है कि जो एर्गोनोमिक्स है इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ डिजाइनिंग यूजर इंट्रैक्शन विद इक्विपमेंट एंड वर्क प्लेसेस टू फिट द यूजर। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा एर्गोनोमिक्स। तो अब बात करते हैं एस्थेटिक्स, एस्थेटिक क्या होता है, एस्थेटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है, ये एक फिलोसॉफी की ब्रांच है विच डील्स विद द नेचर ऑफ ब्यूटी आर्ट एंड टेस्ट एंड विद द क्रिएशन एप्रिएशन ऑफ ब्यूटी व्हेन देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट हैविंग सेम क्वालिटीज ऑफ इफिशियंसी ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट then the customer is attracted towards the most appealing product. The external appearance of product is an important feature which give grace and luster to its dominates the market. So this happens mostly in automobile, household appliance, electronic component etc. So aesthetics kehne ka seedha sa matlab hai किसी भी चीज़ को लग्जरी बनाना। ठीक है दोस्तों, लग्जरी बनाना, लग्जरी का कहने का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना, क्या होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बनाना, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना किसी भी बॉडी को। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यदि हम बात करें फोर व्हीलर की, मतलब जो फोर व्हीलर की ओपन बॉडी बाइक, ओपन बॉडी कार होती हैं, मतलब बंद बॉडी, मतलब जो बंद गाड़ियां होती हैं उनकी जो कितने बढ़िया से डिजाइन रहती है, तो एक लग्जरी कार्स होती हैं इस प्रकार से कि मतलब जो उसकी बॉडी होती है वो एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव डिजाइन होना चाहिए कि जो कस्टमर को क्या करे, अट्रैक्ट करे। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा एस्थेटिक्स। बात करते हैं दोस्तों हम प्रोडक्शन क्वांटिटी की। ठीक है दोस्तों, कि प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या होती है, तो द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट द डिजाइन इन वेरियस वे, द इंजीनियरिंग एंड सॉफ्ट कॉस्ट फिक्स्ड चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नंबर ऑफ कंपोनेंट टू बी मैन्युफैक्चर। ठीक है दोस्तों, कि हमको जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो किसी इस प्रकार से हमको डिजाइन करना चाहिए कि जो वो प्रोडक्शन की क्वांटिटी पर उस पर कोई अफेक्ट ना करे। ठीक है दोस्तों, दी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट द डिजाइन इन वेरियस वे, सो दी इंजीनियरिंग एंड शॉप कॉस्ट फिक्स्ड चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी नंबर ऑफ कंपोनेंट टू बी मैन्युफैक्चर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमने ये जनरल कंसिडरेशंस देखे हैं मशीन डिजाइन में,
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि दोस्तों इसमें से कोई सा भी पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया हुआ, यहाँ पर हमको दिक्कत है, तो मैं ज़रूर उसका आंसर आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ कर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे साथ। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने यदि TNT ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।